स्नेहा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रवा इडली बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी वे से और बहुत झटपट बनती है। ये टेस्टी भी बहुत होती है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके सुझाव भी मुझे दीजिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन दबाना भी मत भूलिए ताकि आप मेरी हर रेसिपी सबसे पहले देख सकें। चलिए अब हम बनाएंगे रवा इडली। रवा इडली बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप रवा सूजी, 1 कप दही, 1 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार, 1.5 कप पानी बैटर बनाने के लिए। तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप गाजर ग्रेट किया हुआ, 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 1 इंच अदरक का बारीक काटा हुआ, पिंच हींग, 3-4 हरी मिर्चें बारीक काटी हुई, 3 टेबलस्पून तेल, कड़ी पत्ते और सोडा हमें लास्ट में चाहिए 3/4 टीस्पून। सबसे पहले आप एक बाउल में रवा डाल दीजिए, दही, वन टीस्पून नमक या आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसमें आप 1.5 कप पानी डाल दीजिए, 1.5 कप रवा है, 1.5 कप पानी डालता है, इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और 1/2 कप पानी डालिए, ये मैंने 1.5 कप पानी डाला है इसमें, ये परफेक्ट मेजरमेंट है इसका। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब देखिए मिक्स हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। इसे अब हम 1/2 घंटा ढक कर रख देंगे, तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। आप गैस ऑन कर दीजिए। अब पैन में आप तेल डाल दीजिए, तेल गर्म होने दीजिए। तेल गरम हो चुका है, फ्लेम मीडियम कर दीजिए। अब आप राई, जीरा सबको, उड़द दाल, चना दाल सबको 1 मिनट सौटे कीजिए, फ्लेम मीडियम कर दीजिए। अब इसमें आप हींग, अदरक, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते मैंने छोटे लिए हैं, अगर आप बड़े लेंगे तो उसे तोड़ लीजिए। अब इसमें आप गाजर सबको मिक्स कर दीजिए अच्छे से, सिर्फ 1 मिनट ही भूनना है हमें इसे, ज़्यादा नहीं। अब आप फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे 2 मिनट ठंडा होने दीजिए, फिर उसमें हम बैटर में डाल देंगे इसे। बैटर को 1/2 घंटा हो चुका है रेस्ट करके, अब इसमें आप तड़का जो बना है वो डाल दीजिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब आप इसमें सोडा डाल दीजिए, बेकिंग सोडा, इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बेकिंग सोडा हमेशा याद रखिए, जब आप इडली बनाने लगेंगे तभी डालें, पहले नहीं डालें, नहीं तो ये फूलेगा नहीं। अब इसे डाल के तुरंत आप स्टील स्टैंड्स में इसको भर दीजिए। इडली स्टैंड को आप ऑयल से ग्रीस कर दीजिए अच्छे से। अब इसमें आप बैटर भर दीजिए, पूरा मत भरिए क्योंकि ये राइस भी होता है। सब इसी तरह भर के आप स्टीमर आप रख दीजिए पहले गरम होने के लिए। उसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल के बर्तन में रखा है, इस तरह आप सब भर दीजिए। अब आप इसे स्टीम करने के लिए रख दीजिए। अब आप देखिए मैंने इस बर्तन में 2 ग्लास पानी डाल दिया था और बॉईल होने लगा है। अब इसमें आप ये स्टील स्टैंड रख दीजिए और ढक कर इसे 10 मिनट के लिए
फुल फ्लेम पे बनने दीजिए। अब इसे 10 मिनट हो चुके हैं, आप ढक्कन हटा के देख लीजिए। और इसे चेक करने का एक तरीका बताती हूँ। कटोरी में पानी ले लीजिए और अपनी उंगली डिप करके इस पे टच करके देखिए। ये देखिए, नहीं चिपक रहा है तो मतलब आपकी इडली बन चुकी है। आप फ्लेम बंद कर दीजिए और स्टैंड को निकाल दीजिए आराम से। और इसे अब इसे ठंडा होने दीजिए, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। अब देखिए ये ठंडी हो चुकी है, अब आप इसे निकाल लीजिए। ये देखिए कितनी आराम से निकल गई। ये बहुत टेस्टी लगती है, हेल्दी होती है रवे की, और इसमें आपने गाजर भी डाला है, ये हर किसी को पसंद आती है। ये देखिए इस तरह आप बाकी भी निकाल लीजिए। ये देखिए अब आपकी रवा इडली बन चुकी है। ये बहुत जल्दी बनी है और बहुत टेस्टी है और ये बहुत हेल्दी होती है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके सुझाव मुझे ज़रूर दीजिए। ब्रेकफास्ट में बना के आप खाइए। मैं आपको एक बताती हूँ, ये कितनी फूल चुकी है और कितनी सॉफ्ट है, इसे मैं तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, और खाने में भी ये यम्मी है, बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।